हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सब ने नीट 2019 का पेपर दिया और पेपर का जो लेबल है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार बहुत इजी था। ये कहें केमिस्ट्री, फिजिक्स, इवन बायो, तीनों ही सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी इजी रखी गई और पेपर 90-95% बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मतलब ये कह सकते हैं हम किस बार पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस ही बनाया गया था। माइसेल्फ एमआरएस मैम राधा शर्मा, जो नीट 2019 के पेपर में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि हम ये जान सकें कि उनका करेक्ट आंसर क्या है और किस रीजन से है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 47, द कंपाउंड्स दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड इज, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिनॉल, वाटर, मेथेनॉल एंड ईथर। फॉर प्रोटोनेशन इट मीन्स दैट शुड बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल, दैट शुड बी ए गुड बेस। हम फिनॉल में ऑक्सीजन के पास देखते हैं दो लोन पेयर हैं, वाटर के पास भी दो लोन पेयर हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी दो लोन पेयर हैं, लेकिन फिनॉल में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बेंजीन के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, जिसके वजह से फिनॉल इन कंपैरिजन टू दीज थ्री बिकम वीक बेस, और वीक बेस का प्रोटोनेशन जो होगा वो डिफिकल्टी से होगा इन कंपैरिजन टू ऑल दीज थ्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट डिफिकल्ट प्रोटोनेशन इज पॉसिबल ऑफ फिनॉल बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, इट बिकम वीक बेस, नॉट एबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स सो इजी इन लाइक वाटर, मिथेनॉल एंड ईथर। दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर इज वन, फिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, क्वेश्चन नंबर 49, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को देख करके तो सभी को मजा आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, और हम सभी जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप के साथ इंक्रीज होती है, बट इन एक्वस मीडियम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड प्लस आई इफेक्ट डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू ग्रुप। ये एनसीईआरटी का ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यदि हमें मिथाइल एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस स्टेज में पढ़नी होती है तो हम बोलते हैं गैसियस स्टेज में इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है 3 degree, 2 degree, 1 degree ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल। बट इन एक्वस मीडियम में मिथाइल एमाइन में नाइट्रोजन का ग्रुप वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी भी उसको अफेक्ट करेगी, और हम सभी पढ़ते हैं एक्वस मीडियम में मिथाइल के लिए केबी का ऑर्डर गिवन होता है 2 degree, 1 degree और 3 degree amine बाय द बेसिस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी, एंड दिस ऑर्डर ऑफ 2 degree, 1 degree इज गिवन इन विच ऑप्शन, सेकेंड, दिस इज 2 degree amine, दिस इज 1 degree amine, दिस इज 3 degree amine। एनसीईआरटी में भी ये डाटा गिवन है, हम लोग आपको ये क्लास में पढ़ाते भी हैं। सपोज इन केस ऑफ मिथाइल इथाइल इज गिवन, देन वी ऑलवेज टोल्ड यू दैट द के बी ऑर्डर इन बेसिक स्ट्रेंथ 2 degree, 3 degree and 1 degree, बट हेयर इफ R is methyl, then the order is 2 degree, 1 degree and 3 degree. That's why its answer is 2. Question number 49 अभी हमने देखा जो बहुत basic था basic strength का। उसके बाद next question, question number 50, an alkene A on reaction with ozone and zinc give propanone and ethanol in equimolar addition of HCl to alkene, then identify the structure of product B. ये question hydrocarbon का एक question है जो हम 11th NCERT में पढ़ते हैं।
इसमें हमें पूछा गया है कि एक एल्कीन है ए जो ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दिस इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, प्रोड्यूस करता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का हम सभी जानते हैं कॉमन नेम एसीटोन, प्लस एथेनॉल। एथेनॉल और एसीटोन दोनों ही एक एल्कीन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट है, तो वी कैन से दैट एल्कीन इज 2-methylbutene विच ऑन फर्दर ओजोनोलाइसिस प्रोड्यूस दिस टू प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ए एल्कीन एंड दिस एल्कीन रिएक्ट विद HCl एज इज गिवन इन क्वेश्चन कि दैट इक्विमोलर एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव प्रोडक्ट बी, दिस इज एल्कीन, HCl इज गिवन एंड वी ऑलरेडी नो दैट द मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HCl टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बाय अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे H प्लस पहले इस पे अटैक करेगा, जब HCl इस पे अटैक करता है तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन पर फर्दर Cl अटैच होगा, वी कैन से दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बाय मार्कोनिकॉफ रूल ऑन एल्कीन, दिस इज द प्रोडक्ट बी, एल्कीन पर HCl का एडिशन के बाद ये प्रोडक्ट बना जो कि एक 3-degree क्लोराइड है, यदि हम यहाँ देखें फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 2-degree हैलाइड है, सेकेंड आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ 1-degree हैलाइड, थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक 1-degree हैलाइड है, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 50 ऑर्गेनिक का नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि पॉलीमर में से है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, हम सभी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर बायोमोलिक पॉलीमर चैप्टर में जो कि 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 2 पे पेज नंबर 44 पे ये क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें बताया गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दोज पॉलीमर्स विच कैन डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक होता है PHVB और एक हम सभी ने पढ़ा है नायलॉन 2,6, नायलॉन 2,6 इज गिवन इन विच ऑप्शन सेकेंड, और सेकेंड इज नायलॉन 6,6, थर्ड इज नायलॉन 2,6, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज 3 एंड नायलॉन 2,6 इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड कैप्रोइक एसिड, और एक बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है जो हम सभी जानते हैं, ब्यूना एस इज द पॉलीमर जो कि ये बाकी सारे जो पॉलीमर हैं ब्यूना एस नायलॉन 6,6 नायलॉन 6 ऑल दीज पॉलीमर आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ओनली 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी PHVB एंड नायलॉन 2,6, दैट्स व्हाट आंसर इज 3। आफ्टर 57 अगेन इजी क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल का ही एक क्वेश्चन है, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एन एल्कालाइन अर्थ मेटल M एज कोफैक्टर, कोफैक्टर इज, हम सभी बायो में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते भी हैं, ATP इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डायरेक्ट रिएक्शंस करते हैं और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर फॉस्फेट को रिलीज करवाने के लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट को रिलीज करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम, जो हम बायो में बहुत अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ते भी हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम IUPAC नोमेनक्लेचर, आप यदि इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पेपर में भी जो नेम दे रखा है वो गिवन रॉन्ग नेम गिवन है, पेपर में भी PENT2EN4IN, यदि मैं PENT2EN4IN की स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये स्ट्रक्चर बनेगी जिसका अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल करेक्ट नेम होना चाहिए PENT3EN1IN, बट
कोई नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. वी ऑलरेडी नो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड. इन केस ऑफ डबल बॉन्ड पाई वन इज पाई, एंड इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड टू रिमेनिंग आर पाई. यदि मैं इसमें टोटल सिग्मा और पाई काउंट करती हूँ तो टोटल सिग्मा है 10 और पाई है 3. एंड दिस डाटा इज गिवन इन विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स. दैट्स माई आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज. हमें एक कंपाउंड दे रखा है ब्यूट टू आइन, जिसे हमें कन्वर्ट करना है सिस टू ब्यूटीन में. और ऑप्शन गिवन है, यदि मैं देखती हूँ फर्स्ट ऑप्शन में H प्लस दे रखा है विद H2O. हम ऑलरेडी जानते हैं एल्कीन एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन विच कन्वर्ट एल्काइन इंटू कीटोन आफ्टर रिएक्शन. इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. Na लिक्विड अमोनिया इज नोन एज बर्च रिडक्शन विच रिड्यूस एल्काइन इंटू ट्रांस एल्कीन, बट यहाँ पे गिवन है सिस एल्कीन, इसलिए ये आंसर नहीं होगा. H2PDC क्विनोलिन, या हम ये कहें हम एक नाम रिएजेंट होता है लिंडलार रिएजेंट, जिसमें H2 गैस पीडी का चारकोल क्विनोलिन सॉल्वेंट में है, जो एल्काइन एल्काइन को, किसी भी एल्काइन को H2PDCaCO3 विच इज नोन एज लिंडलार रिएजेंट कन्वर्ट एल्काइन इंटू सिस एल्कीन, एंड दिस इज अ सिस टू ब्यूटीन. दैट्स व्हाट करेक्ट आंसर इज 3. जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड कन्वर्ट एल्काइन इंटू एल्काइल हैलाइड. आउट ऑफ दिस ऑल फोर द सूटेबल रिएजेंट इज ओनली वन, H2PDC क्विनोलिन. दैट्स व्हाट इट्स आंसर इज 3. अगला क्वेश्चन था 71. अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ बहुत ही इजी थे, उनके कंपैरिजन में यदि हम देख कहना चाहें कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर था जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन बेस्ड पूछा गया है. फर्स्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, दिस गिवन कंपाउंड इज थैलिक एसिड एंड दिस इज अमोनिया, एंड रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. वी ऑलरेडी नो थैलिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड. इनिशियली दिस अमोनिया रिएक्ट विथ थैलिक एसिड एंड दिस इज अ एसिड बेस रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट विच ऑन फर्दर हीटिंग रिलीज वाटर एज इज गिवन इन क्वेश्चन. स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिस कन्वर्ट इन टू एमाइड. This amide which on further heating react with acid and produce a product which is known as thalamide. Thalamide product बनेगा thalic acid ammonia से जब react करता है. Initially reaction is acid base reaction which on further convert into amide. Amide which further attack on acid and convert into thalamide. अब हम यदि ऑप्शन में देखें थैलामाइड कौन से में दे रखा है, क्या ये फर्स्ट में थैलामाइड है? नो, बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू NH2, ये आंसर नहीं होगा. सेकंड में एक एसिड है और एक एमाइड है. एसिड और एमाइड एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, फर्दर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता. थर्ड में ये स्ट्रक्चर आपको जो दे रखी है ये किसकी है? थैलामाइड की, इसलिए ये करेक्ट स्ट्रक्चर है. फोर्थ वाली स्ट्रक्चर भी रॉन्ग है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा थर्ड. NCERT में हम ये रिएक्शन ग्रेबिल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 74 एंटीबायोटिक्स का, जो कि अपनी 12th NCERT केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से है. इसमें पूछा गया है अमोंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज. हम इसके बारे में थोड़ा सा यदि देखें तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. उसके बेसिस पर एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दोज एंटीबायोटिक्स विच स्पेशली रिएक्ट आइदर ऑन ग्राम पॉजिटिव आइदर ऑन ग्राम नेगेटिव दैट आर नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एंड दोज एंटीबायोटिक्स विच रिएक्ट विद बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव देन दैट इज नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. अकॉर्डिंग टू NCERT
क्लोरामफेनिकॉल, एम्फिसिलिन एंड एमोक्सिलिन, दीज थ्री ड्रग्स आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, बट द क्वेश्चन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन जी. दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, पेज पे एनसीईआरटी में गिवन है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 76. ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शंस पूछी गई हैं. अमोंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोड्यूस थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ मेन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. बट यहाँ चारों ही ऑप्शन में हमको एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन डेरिवेटिव दे रखा है. फर्स्ट रिएक्शन इज बेंजीनॉल एंड दिस बेंजीनॉल रिएक्ट विद HCl. Then this is a normal nucleophilic substitution reaction. This is a nucleophilic substitution. Second is benzene diazonium chloride react with cuprous chloride. This is also known as nucleophilic substitution of diazonium salt with copper chlorine. Benzene react with chlorine in presence of Lewis acid AlCl3 produce chlorobenzene. This is a electrophilic reaction which is known as chlorination. हम सिलेबस में five electrophilic substitution reactions पढ़ते हैं. हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्लोरिनेशन रिएक्शन विच इज प्रोसीड बाय ESR. This is NSR reaction, nucleophilic substitution. This is also NSR, nucleophilic substitution. And the last one is, when chlorine react with, in presence of ultraviolet rays, it is a very special product, gamexine, which is also known as benzene hexachloride. And formation of benzene hexachloride by the benzene is a free radical addition reaction. Our question is electrophilic substitution, which is only possible in third option. That's why its correct answer is 3. Okay. Next question, structure of intermediate A in the following reaction. इस तरह का question last year भी NEET 2018 में पूछा गया था. यहाँ पे जो first है isopropyl benzene react with oxygen. Isopropyl benzene is also known as cumene. Cumene react with oxygen. Then this oxygen replace alpha hydrogen and produce a very special product. And this special product is known as cumene peroxide, which on further heating, because this is unstable product, due to lone pair repulsion, it become highly unstable, which on further heating convert into phenol and acetone. Same question जब last year 2018 में आया था तो उसमें हमसे product पूछा गया था, तो उसमें product था phenol and acetone. इस बार इस question में बस ये है कि हमें reactant given है, product given है, that intermediate is cumene peroxide. अब हम देखते हैं क्यूमीन परोक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो होता है अल्फा कार्बन पर. क्या इसमें परोक्साइड गिवन अल्फा कार्बन पर है? नो. क्या इसमें ये परोक्साइड है? नहीं, ये केवल एक ऑक्साइड है. परोक्साइड इज गिवन, करेक्ट परोक्साइड इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन. फोर्थ इज नॉट अ करेक्ट परोक्साइड. दैट्स वाई क्यूमीन परोक्साइड इज अ इंटरमीडिएट विच फॉर्म इन दिस रिएक्शन ए, गिवन इन विच ऑप्शन 3. आंसर इज 3. का आंसर नहीं. ओके, अमोंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इज. ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है, जिसमें हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट करके एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है. ऑलरेडी वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेन गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. But other than carbon dioxide, there are some gases which are also responsible for greenhouse effect, like methane, water vapors, nitrous oxide,
कार्बन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स, इवन ओजोन, दीज आर द मेन फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. बट आवर क्वेश्चन इज दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. नाइट्रस ऑक्साइड इज मेन फैक्टर, मीथेन, ओजोन. आउट ऑफ दीज थ्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो आउट ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन विच वन इज नॉट? सल्फर डाई ऑक्साइड. दैट्स वाई इट्स करेक्ट आंसर इज वन. ओके, अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल. द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज. मेडिकल में नीट के एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा, क्योंकि वो हम सभी बायो में पढ़ते हैं कि एमिनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर दोज एमिनो एसिड्स विच आर कंपल्सरी इन आवर बॉडी बट दैट आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. वी हैव टू टेक दैम बाय द हेल्प ऑफ डाइट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हम आपको बताते भी हैं, 10 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, 10 अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल होते हैं. लाइसिन, वेलाइन एंड ल्यूसाइन, दीज थ्री आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो विच वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? एलानिन. एलानिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ.